हाय गाइस, सिकोस ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आसानी से आप किसी नंबर को, जो कि नंबर 100 के पास होते हैं, जैसे कि 97 है, 98 है, 96 है, आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीप्लाई करनी है 97 की आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है 92 के साथ। तो देखते हैं किस तरीके से होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि ये नंबर 100 से कितना छोटा है। तो 97 आपका जो है वो आपका 100 से 3 कम है, 92 जो है आपका 100 से 8 कम है। तब आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस, जैसे कि ये आया है -3 आया है, -3 माइनस कर देंगे आप 92 में से, तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको आपको लिख लेना है, 89 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अब आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो आए थे। इसमें साइन कंसीडर नहीं करना आपको, 3 × 8 = 24। तो गाइस, इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 97 की 92 की। यहाँ जैसे आपने आप 92 को 3 से माइनस कर दिए तो भी 89 आएगा, फिर 97 को 8 से माइनस करें तो भी आपका 89 ही आएगा। तो किसी भी एक का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 95 की 94 के साथ। तो ये 100 से कितना कम है, ये आपका 100 से 5 कम है, ये आपका 100 से 6 कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 94 में से या तो आप 5 माइनस कर लीजिए या फिर 95 में से आप 6 माइनस कर लीजिए, आना आपका 89 ही है। ठीक है, अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है वो आपका पीछे आपको लिख देना, 2 डिजिट नंबर बना के उसको। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो 97 की 97 के ही साथ, तो आप क्या करेंगे, ये 100 से 3 कम है, ये भी 100 से 3 कम है, तो आप 97 में से 3 माइनस करेंगे, क्रॉस माइनस करना आपको ऐसे। 97 में आपने 3 माइनस किया, आपके पास आया 94, फिर आपके पास 3 × 3 करने के बाद आएगा 3 × 3 करने। नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, अपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास आया 9, लेकिन आपको उसको 2 डिजिट नंबर बना के लिख देना, तो 09। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।